हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव, आपका कोई भी कॉमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप या तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर, और हमें फेसबुक पर कनेक्ट करने के लिए जाइए www.facebook.com/studycapsule पर, और वहाँ जाके हमारे पेज को लाइक करिए और वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अपने कमेंट या फीडबैक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो है इंटरव्यू पर, इंटरव्यू टिप्स पर। सो दिस इज इंटरव्यू टिप्स पार्ट वन, क्रैक योर इंटरव्यू फॉर श्योर। दोस्तों, आपको बता दूं, इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है आपके जॉब का। आप जब भी अप्लाई करते हैं, आप एग्ज़ाम तो काफ़ी लोग दे देते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सालों से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इंटरव्यू बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पहलू है आपके सिलेक्शन का। तो इसे प्लीज़ प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें हमने काफ़ी टिप्स बताए हैं कि क्या स्टेप्स है, क्या चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है, शुरुआत से लेके आपके डॉक्यूमेंट्स से लेके आपको क्या नहीं करना चाहिए, या फिर इंटरव्यू ख़त्म होने तक क्या करना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ों का इसमें हमने मेंशन किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके और भी पार्ट्स हम लाने की कोशिश करेंगे, उनमें हम सवाल लाएंगे, क्या सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर्स आपको, और आपको उनको कैसे जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें लाएंगे हम आगे। तो लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पहले पार्ट के साथ। दिस इज इंटरव्यू टिप्स पार्ट वन, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला स्टेप आपको बता दूं, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। फ्रॉम बैंक एग्जाम्स परस्पेक्टिव, प्रिपेयरिंग वेल फॉर इंटरव्यू इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ओइंग टू फॉलोइंग टू रीजंस। तो ये दो रीज़न है। सबसे पहले, a candidate has to secure minimum qualifying marks in the interview for being considered for further shortlisting. तो interview के आपके जो marks होते हैं वो भी बहुत important होते हैं। interview अगर आपको पता होगा तो interview में भी marks होंगे, interview में भी आपको marks दिए जाते हैं, 30 marks, 40 marks, 50 marks, ऐसा अलग अलग exams के लिए अलग अलग marks होते हैं। तो उनके बीच भी आपका selection होता है। मतलब कि अगर आपका 100 marks का exam है और बाकी 50 marks interview पे होते हैं, तो वो दोनों कंबाइन करके फिर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है और फिर आप आगे शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। सेकंड रीजन है, मार्क्स स्कोर्ड इन इंटरव्यू आर क्लब्ड विद मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग एट फाइनल मेरिट। दस स्कोरिंग वेल इन इंटरव्यू कैन गिव अ डिसाइसिव एज इन सिचुएशंस वेयर कॉम्पिटिशन इज अ फियर्स एंड कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई। तो जैसे आपको बता दिया मैंने कि यही कि आपके मार्क्स, दोनों मार्क्स काउंट किए जाते हैं साथ में और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसमें जो कट ऑफ है, जैसे कि आप समझिए, अगर 100 marks का आपका एग्जाम है, आपने 90 स्कोर किया, आपके फ्रेंड ने भी 90 स्कोर किया, पर आपका इंटरव्यू अगर उससे बेहतर रहा, उनसे बेहतर रहा, तो आपने अगर इंटरव्यू में 30-35 स्कोर करा है 50 में से, और उन्होंने जबकि सिर्फ 25 स्कोर करा है, तो आपका जो डिफरेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 10 मार्क्स से आपका डिफरेंस बढ़ जाता है, तो और आपका सिलेक्शन बहुत बहुत पक्का हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ध्यान से रखिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ये आपको बताते हैं। चलिए, सेकंड स्टेप है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक इंटरव्यू। मैनी कैंडिडेट्स हु हैव नेवर फेस्ड एन इंटरव्यू आर ऑफन नर्वस एज टू हाउ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इज कैरिड आउट। बैंक इंटरव्यूज आर टिपिकली कंडक्टेड इन क्लोज हॉल और मीटिंग रूम। 3 to 6 एक्सपीरियंस्ड और सीनियर बैंकर्स इन इंटरव्यू पैनल। इंटरव्यू मे लास्ट फॉर 15 to 30 minutes. However, in certain cases, it may even stretch up to 45 minutes. Individual time slot can be any time between morning 9 a.m. to evening 7 p.m. Before the interview, document verification is carried out for every candidate. तो आपको इसके बारे में थोड़ा बता दो। इंटरव्यू जो लिया जाता है, आपको पता ही होगा, एक क्लोज हॉल होता है या एक मीटिंग रूम थी, वहाँ लिया जाता है। आपके इंटरव्यू पैनल में कम से कम 3 members या ज़्यादा से ज़्यादा 6 members होंगे, और जो एक्सपीरियंस होंगे या फिर सीनियर बैंकर्स भी हो सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटरव्यू आपका 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, फिर आधा घंटा या 45 मिनट्स तक जा सकता है। तो कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशंस में 1 घंटे तक जाता है। तो 15 मिनट्स, 30, 45, 60 मिनट्स, एनी हैपन। इसके बाद है इंडिविजुअल टाइम स्लॉट कैन बी एनी टाइम बिटवीन मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 7 PM। मॉर्निंग 9 से 7 को, शाम को 7 बजे के बीच में कभी भी इंटरव्यू होते हैं। और इसके बाद वाला पॉइंट है बिफोर द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है आपका। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लेके जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ थोरली चेक कीजिए, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं या नहीं, आपका रेज्यूमे लिया है या नहीं,
और बाकी सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप कॉपीज भी लेके जा सकते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सारी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रीक्वेंटली आस्क बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आस्क्ड इन बैंक इंटरव्यूज कैन बी प्लेस अंडर फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पुटिंग टू करियर ओरिएंटेशन, फैक्चुअल क्वेश्चंस अबाउट बैंकिंग नॉलेज एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग और इकोनॉमी, बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, सिचुएशन बेस्ड और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। चलिए आपको दोस्तों इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका जो सीवी होता है, सीवी मतलब जो आप रेज्यूमे लेके जाते हैं, सीवी को सीवी का फॉर्म करिकुलम विटे, इसको भी याद रखिए। कभी कभी इंटरव्यूज ऐसे ही बीच में ये भी पूछ लेते हैं सीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो करिकुलम विटे इसका स्पेलिंग आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अगर सीवी खुद बनाइए, अगर आपको नहीं पता तो हाँ आप फॉर्मेट देख सकते हैं कहीं से, लेकिन उसमें सारा डेटा आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। और सारा का सारा डेटा मैं आप जेन्युइन होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से इसको आपको पता होना चाहिए कि आपके रिज्यूमे में क्या लिखा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी और का सीवी कॉपी करके ले जा रहे हैं, बस अपनी डिटेल्स, अपना नाम और अपना पता और बाकी एक दो चीज़ें डाल दी और लेके चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी उनकी हॉबीज़ अलग हो, आपकी हॉबीज़ अलग हो। किसी ने अगर ये कह दिया कि वो सिंगिंग पसंद करते हैं, वो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, आपने भी कह दिया कि हाँ मैं ट्रैवलिंग पसंद करता हूँ, मैं एडवेंचर पसंद करता हूँ, तो इंटरव्यूज आपको ये पूछ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं अब तक, और आपको पास अगर जवाब नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इसको बहुत ध्यान में रखिए, आप वही लिखिए जो आपने किया है या आप करते हैं या आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडेटा रिलेटेड क्वेश्चंस में भी, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस सभी सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू करियर ओरिएंटेशन, करियर ओरिएंटेशन, आप बैंक में जॉब क्यों चाहते हैं, और आपने पहले कहीं काम किया है तो आप वहाँ काम कर रहे थे तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में आपको क्या अलग लगता है, ये सारे सारे सवाल करियर ओरिएंटेशन से हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ जाना नहीं चाहते तो वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो करियर ओरिएंटेशन भी आपका देखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस अबाउट बैंकिंग नॉलेज एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग और इकोनॉमी। तो बैंकिंग का नॉलेज तो यस दैट इज़ अ बेसिक थिंग, और वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जा रहे हैं बैंक में जॉब करने के लिए, बैंक के जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बैंक का नॉलेज होना चाहिए। बैंक का नॉलेज एक बेसिक थिंग है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। आप बाकी कुछ भी करें, कितने भी अच्छे कपड़े पहने, कितना भी अच्छा इंग्लिश में बात करें, आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे भी हो, फिर भी अगर आपका बैंकिंग का नॉलेज अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है दोस्तों। आपका बैंकिंग का नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जॉब उस क्षेत्र में है, आप चाहते हैं उस क्षेत्र में जाना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर पता होना चाहिए। और रिसेंट डेवलपमेंट्स इन बैंकिंग और इकॉनमी, तो हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, ये सारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल इंसान, वो बैलेंस कैंडिडेट चाहते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि इस इंसान को सभी कुछ पता हो। अगर वो वैसा होता तो बैंक में वो वैसा इंटरव्यू या वैसा एग्ज़ाम लेते, रिटर्न एग्ज़ाम, लेकिन वो बैलेंस कैंडिडेट्स, हाँ इनको बेसिक जनरल नॉलेज है, बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक लॉजिक, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि बहुत बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा जो हाल ही में आपको थोड़ा सा अलग बनाता हो बाकी लोगों से, तो बेसिक जीके और करंट अफेयर्स क्या चल रहा है बैंकिंग क्षेत्र में। तो और बेसिक करंट अफेयर्स इसलिए पूछते हैं ताकि वो जान सके कि आप आपके करंट जो अफेयर्स, मतलब जो देश में जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं जो हो रही है, उनके बारे में आप कितने जागरूक हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो लोग, तो इसलिए वो आपको ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि आपका अटेंटिवनेस कितना है, आपको यहाँ आसपास की चीज़ों का कितना कितना ख्याल रखते हैं, या फिर कितना आपको उसके बारे में, उनके बारे में पता रहता है, तो ये चीज़ें। और सिचुएशन बेस्ड या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन बेस्ड, आपको बोल दिया कि आपके बैंक का, आप अगर मैनेजर बन गया, आपके बैंक में कोई एम्प्लॉय है जिसको आपने फ्रॉड करते हुए पकड़ा, तो पता चला कि वो कुछ 5-10 लाख रुपये का जिसने एक छोटा सा फ्रॉड हो गया है, या फिर एक छोटा सा फ्रॉड हो गया किसी छोटे से प्यून से, एक छोटा सा फ्रॉड हो गया 5-10 हज़ार रुपये का, या किसी ने कुछ रकम लेकर किसी का काम करने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें होती है, ऐसी सिचुएशंस दी जाती है आपको, और इसमें आपको पूछा जाता है आप इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कोई पैसे देने की बात कर रहा है, आपको कोई ऐसी बात कर रहा है कि आप ये पैसे लीजिए, मेरा काम कर दीजिए, तो आप उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये सारे सवाल जो है
इन पर भी हम एक आगे वीडियो लाएंगे, हमारा सेकंड और थर्ड वीडियो इन पर भी आएगा और बाकी वीडियोस भी लाएंगे हम इन पर। तो ये सिचुएशन बेस्ड या हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका दिमाग उस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये आपकी टेस्ट करते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग आपका एट दैट इंस्टेंट कैसा है, इंस्टेंटेनियसली आप कैसे रिएक्ट करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखिए, ऐसा नहीं कि आप जो एग्जाम्पल देखेंगे उसी में से ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए भी तैयार रखिए खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है व्हाट डू इंटरव्यूअर्स ट्राई टू असेस, बैंक इंटरव्यूज आर डिजाइन टू असेस फॉलोइंग क्वालिटीज, ओवरऑल अपीयरेंस एंड बेसिक एटिकेट्स, यू शुड बी प्रेजेंटेबल एंड वेल बिहेव, ओरल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, डेप्थ एंड रेंज ऑफ नॉलेज प्लस एनालिटिकल एबिलिटीज, अप्रोच कॉन्फिडेंट पॉजिटिव प्लस एंथुजियास्टिक, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क, अदर ट्रेट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी अडैप्टेबिलिटी लीडरशिप क्वालिटी टीम स्पिरिट क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ओवरऑल अपीयरेंस एंड बेसिक एटिकेट्स, यू शुड बी प्रेजेंटेबल एंड वेल बिहेव्ड। फ्रेंड्स आपको बता दूँ, आप क्या पहनावा आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, आपने क्या पहना है, आपको सूट कर रहा है या नहीं, इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा एक ड्रेस है, बट इसलिए कि वो आपको सूट करता है और आप उसमें कंफर्टेबल है, आप प्रेजेंटेबल है उस पहनावे में, इसलिए वो पहनावा पहनिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ड्रेस तो काफ़ी अच्छा है लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जाके आप अगर ड्रेस के बारे में ही सोचते रहेंगे तो इंटरव्यू पे आपका कम ध्यान जाएगा। तो आप चाहें तो एक ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि आपका जो पहनावा है आप पहले एक बार पहन लीजिए उसको, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए पहनकर, उसके साथ रहिए 3-4 घंटे या एक दिन नहीं 3-4 घंटे उस पहनावे में गुजारिए, और फिर आपको देखिए आप कंफर्टेबल है या नहीं, थोड़ा बैठ कर, थोड़ा चल घूम कर, और बाकी चीज़ें, इवन लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें देखना, आप कैसा थोड़ा बहुत आपका प्रेजेंटेशन, आपका लुक, आपका मेकअप, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एटिकेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा हैंडशेक है आपका, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको बता दूं शुरुआत से, अगर आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको ये डेली रूटीन में लाना है अपने, तो आप चाहें तो किसी ऑफिस में भी जाएं, अगर बैंकिंग के नहीं किसी और भी इंटरव्यू में जाएं, तो वहाँ पे भी आप रिसेप्शनिस्ट लेके गार्ड से लेके हर एक से एक स्माइल से बात कीजिए, हंस के बात कीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो डर है कि आप नए लोगों से बात करने का या अननोन लोगों से बात करने का जो डर है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ यही कि अगर आपको पता नहीं कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आप समझिए रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है, और अब तब आपको पता चला कि रिसेप्शनिस्ट का कुछ अच्छा कॉन्टैक्ट है वो मैनेजर के साथ, तो वो अगर मैनेजर अगर कभी बात हो गई तो रिसेप्शनिस्ट आकर अगर बात करती है तो वो बताएगी हाँ दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आपका ऐसा हो गया कि कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया हो और आपको उसको लेने के लिए वापस जाना पड़े, तो फिर रिसेप्शनिस्ट आपके लिए वो जगह रख सकती है या आपके लिए कोई बात करेगा आगे जाके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन अगर आपको लगे तो आप ये कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, आपको बेहतर लगे, ना लगे तो हमें ज़रूर बताइए। इसके बाद बात यह है ओरल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स की, तो हाँ आपका कम्युनिकेशन बहुत बहुत मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि बैंक्स में अगर आपको बता दूँ अगर उन्हें सिर्फ काम करवाना होता, आई मीन टू से सिर्फ काउंटिंग ही करनी है, सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारी चीज़ें तो मशीन्स भी कर सकती हैं, रोबोट्स भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंक में लोग आते हैं वो चाहते हैं आप उनके सामने कोई दिखे, तो वो सामने देख कर जब लोगों से बात करते हैं, कोई उनकी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी होता है, तो वो जब लोगों से बात करते हैं या फिर तो उस पर लोग जो रिप्लाई देते हैं तो एक ह्यूमन टच आ जाता है उसमें, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, तो ह्यूमन से बात करना, हम मशीन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, हम लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपका इंग्लिश अगर आप प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए दोस्तों, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं अगर आप ट्राई कीजिए, सुबह उठकर न्यूज़पेपर लीजिए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उस पर ट्राई कीजिए कि आप उसको जोर से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, जोर से पढ़ना शुरू कीजिए और इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में बेहतर होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि और लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है कि वोकैबुलरी और
आपने कितना बुक्स पढ़ते हैं आप, ये सारी चीज़ें। तो लैंग्वेज आपका इम्प्रूव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो इसे डेली रूटीन में लाइए, आज से शुरुआत कीजिए इसकी। भले ही आपका वीडियो आपका इंटरव्यू अभी हो, एक हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, या फिर एक साल भर में कभी भी, या 2 साल में कभी भी, आप लाइफ टाइम के लिए इसको एक हैबिट बना सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ एंड रेंज ऑफ नॉलेज प्लस एनालिटिकल एबिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर तो करता ही है, लेकिन डेप्थ ऑफ नॉलेज, हाँ ये भी बहुत मैटर करता है, और एनालिटिकल एबिलिटीज की, हाँ आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका एक आपका तरीका सोचने का, आपका देखने का नजरिया कैसा है, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, आपका अप्रोच, आपका हर एक चीज में अप्रोच जो है वो भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिवनेस और एंथुसियाज्म, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। कॉन्फिडेंस, हाँ हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए दोस्तों। आपने अगर प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो आप अपना 100% दीजिए, अपना प्रिपरेशन में 100% दे दीजिए, आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए इंटरव्यू में, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, आप ये ना सोचिए कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक है, ये सोचना गलत है दोस्तों। टू बी प्रैक्टिकल, मतलब आप प्रैक्टिकल रहिए। ठीक है, हाँ आपने कोशिश करी है, आपको पता है कि आप पूरा प्रिपेयर्ड है, उस माइंडसेट से जाइए, हाँ कि मुझे कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं हाँ उसका जरूर जरूर सवाल जवाब देने का 100% कोशिश करूंगा या करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव अप्रोच रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मेरे मेरा अच्छा, मैंने प्रिपेयर किया है, मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, हाँ मुझे ये जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों, आपको और एक चीज़ बता दूँ, हमेशा हमेशा एक बता दूँ कि जॉब ना मिले तो आपका लाइफ या आपका करियर वहाँ ख़त्म नहीं होता दोस्तों। एक इंटरव्यू आएगा जाएगा, लेकिन आप उसमें से जो सीखते हैं वो आपको सेकेंड इंटरव्यू में अप्लाई करना है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ एक इंटरव्यू आपका करियर डिसाइड नहीं करती थी, लेकिन बहुत कुछ होती है इंटरव्यू, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो कौन अप्रोच आपका कॉन्फिडेंट पॉजिटिव एंड एंथुजियास्टिक होना चाहिए, मतलब आप सामने वाले को लगना चाहिए कि यस इस पर्सन को काम करने की इच्छा है, ये आएगा तो कुछ नया करेगा, ये पूरा अपनी जान डाल कर काम करेगा, ऐसी चीजें उनको लगनी चाहिए, आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। ठीक है, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क, तो आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, इसके भी आपको एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, तो आप उसके उसके बारे में बताइए, और आप खुद के बारे में भी जब आप बताएंगे तब ये बता सकते हैं ये चीज़ें। ऑनेस्टी उनको दिखनी चाहिए, और आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए, सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि नहीं कि सिर्फ ऐसा है कि आपने बोल दिया और आप हैं नहीं, आपको वैसा आपके आंसर्स में से उनको लगना चाहिए, ये नहीं बोलना कि मैं ऑनेस्ट हूँ, आपको उनको कन्वे करना पड़ेगा ये आपके बातों के थ्रू कि हाँ आप ऑनेस्ट हैं, आपने ये सारे काम किए हैं। आपका कोई भी जवाब अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उन्हें लग सकता है कि दिस गाय इज मेकिंग दिस अप, मतलब आप ये एक कहानी बना रहे हैं आप बताने के लिए, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी, यही कि आप कैसे अडेप्ट होते हैं नए सिचुएशंस में, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, आप नए सिटी में जाएंगे, अगर आपका पोस्टिंग कहीं और हो गया, वहां जाकर आप काम कर सकते हैं वहां के लोगों से, तो नए लोगों से कैसे बात करते हैं, नए जगहों से कैसे अडेप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। लीडरशिप क्वालिटी, आपका लीडरशिप क्वालिटी, अगर आपने कभी एज अ टीम लीडर एज अ मैनेजर काम किया है तो आपका लीडरशिप क्वालिटी कैसा है, या फिर अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई तो आप कैसा परफॉर्म करेंगे उसमें, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाती है। टीम स्पिरिट हो गया, तो टीम स्पिरिट में आप क्या आप एक टीम प्लेयर है, क्या आपने कभी टीम में कोई प्रोजेक्ट करा है, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए थोड़ा, ये सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, तो आपने क्या ऐसा नया एक प्रोजेक्ट के लिए आपके तरीके से आपने क्या नया किया कि कंपनी को उसका फ़ायदा हुआ या बैंक को उसका फ़ायदा हो सकता है जाके, ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, वही मैं आपको बताया कि कोई इश्यू आ गया तो उसे कैसे हैंडल करना, डिसीजन मेकिंग थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चलिए, तो दिस इज स्टेप 4, व्हाट डू इंटरव्यूज ट्राई टू असेस। अगर बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ, सोर्सेज एंड मेथड्स टू प्रिपेयर फॉर बैंक इंटरव्यू। कल्टिवेटिंग अ बैंकर्स माइंडसेट, वंस यू मेक अप योर माइंड टू परस्यू अ करियर इन बैंकिंग, यू शुड स्टार्ट इमेजिनिंग योर सेल्फ एज अ रेप्यूटेड बैंकर, दस यू शुड थिंक एक्ट एंड बिहेव लाइक अ बैंकर। आप जब भी करियर में अपना आप सोच ले कि आपको करियर एक क्षेत्र में बनाना है, या वो बैंकिंग हो या कोई और भी, तो अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में चुनते हैं तो आपको थिंक
एक्ट एंड बिहेव, आपको सोचना पड़ेगा, आपको वैसा एक्ट करना पड़ेगा और वैसा बिहेव करना पड़ेगा एक एज बैंकर जैसा। तो ये अपने आप डेली रूटीन में लाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर इसमें आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश में बात करनी तो इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। तो अगर आपको एक बैंकर बनना है तो बैंकर जैसा सोचना शुरू कीजिए कि बैंकर होता तो इस जगह क्या करता, वो कैसा सोचता, वो कैसा एक्ट करता, वो कैसा बिहेव करता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक एक्ट एंड बिहेव, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफर स्टैंडर्ड बुक ऑन बैंकिंग अवेयरनेस फॉर द बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स, रीड रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली अ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर लाइक इकोनॉमिक टाइम्स एंड वन मैगजीन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर्म अ डेली हैबिट ऑफ रीडिंग द एडिटोरियल फ्रॉम न्यूज़पेपर, दिस विल डेवलप योर एनालिटिकल एबिलिटी एंड विल ऑल्सो हेल्प यू इन फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट रीसेंट इवेंट्स। तो सबसे पहली बात, रेफर अ स्टैंडर्ड बुक ऑन बैंकिंग अवेयरनेस फॉर द बैंकिंग बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे अब आपको पता है आपके बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, आपको बैंकिंग नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छा सा बुक आप खरीद सकते हैं या फिर हमारे वीडियोस में से देख सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोस बैंकिंग अवेयरनेस पर लाए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, और आप अगर का अच्छा कोई बुक हो आपके पास तो उसे भी जाके पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आप क्या बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके बाद है रीड रिपीटेड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपने पढ़ना चाहिए, ठीक है, प्रेफर भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर लाइक इकोनॉमिक टाइम्स। हाँ, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ते रहिए, इससे आपका नॉलेज भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि हाल ही में क्या हो रहा है करंट अफेयर्स के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, और इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो उससे भी आप आपको काफ़ी मदद हो सकती है इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म अ डेली हैबिट ऑफ रीडिंग एडिटोरियल फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल का सेक्शन आता है दोस्तों, तो उसको अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसको भी ध्यान से पढ़ा करिएगा। उसमें भी काफ़ी लोग अपने व्यू डालते हैं, अपने व्यू अपडेट करते हैं कि उनको क्या लगता है, कैसा लगता है, सवाल जवाब चलते हैं उसमें, तो उसमें भी आपका एक व्यू कैसा है वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो आपका भी व्यू बहुत मैटर करता है, आपका भी व्यू पूछा जाता है कभी इंटरव्यूज में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्टेप सिक्स, फ्रेम मॉरल आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये। यू शुड प्रिपेयर मॉरल आंसर्स फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस, योर मॉरल आंसर शुड इनकॉर्पोरेट नेसेसरी फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी एंड शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, दिस विल गिव अ फ्रेमवर्क ऑन विच यू कैन आंसर रिलेटेड क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस, द लेंथ ऑफ मॉरल आंसर शुड आइडियली बी इन द रेंज ऑफ 50 टू 60 सेकंड्स व्हाइल स्पीकिंग आउट। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो हम इन पर आगे के वीडियोस लाएंगे, हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट इन्हीं पर होगा, तो इसको ध्यान से आपको बता दें हम इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें हम जो वीडियोस हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे उनको ध्यान से सुनना है, और उनमें जो आंसर्स होंगे आपके आंसर्स क्या है उसको डिसाइड करना है, आपके आंसर्स को उसमें देखना है, लिख कर चाहिए तो आप लिख कर ले सकते हैं, फिर बाद में उनको खुल कर बोलिए, आप देखिए कितना टाइम लगता है एक आंसर को। ठीक है, तो जैसे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता दूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और रन मी थ्रू योर सीवी, ये सवाल हर इंटरव्यू में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, तो वो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहा इतने इतने साल, मैं आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, मैं मेरा जन्म ही यहीं पर हुआ और मैं यहीं पर पला बढ़ा हूँ, और फिर मैं दिल्ली से फिर अपने ग्रेजुएशन के लिए बाहर मूव हुआ दूसरे सिटी में, फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री गया, यूएस गया था, फिर वापस आया, फिर मैंने यहाँ ये जॉब करी है, अभी तक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, फिर मैंने बैंकिंग सेक्टर देखा तो अभी मुझे लगता है कि मैं बैंकिंग में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ और काफ़ी स्टेबल भी जॉब है, इसलिए मैं बैंकिंग की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ये चीज़ें अपने फैमिली के बारे में बताइए, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा सबको आपको बताना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो पर फिर भी ये ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, चलिए एग्जांपल हो गया। इसके बाद है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, प्लीज़ इस पर भी बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ग्रामर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें भी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट है, दिस विल गिव यू फ्रेमवर्क ऑन विच यू कैन आंसर रिलेटेड क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, तो एक बेस आप जब आप बता देते हैं खुद के बारे में, इंट्रोडक्शन जब दे देते हैं खुद का, तो फिर जैसे जैसे बाकी सवाल भी है तो एक फ्रेमवर्क बना देते हैं और उसमें से आपको बाकी सवाल के भी आंसर जो है वो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, या फिर आप उसमें भी थोड़ा रिलेट करके आप आराम से बता सकते हैं, सो इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द लेंथ ऑफ मॉरल आंसर शुड आई टिल बी इन द रेंज ऑफ 50 टू 60 सेकंड्स व्हाइल स्पीकिंग आउट, जैसे आपको बताया कोई भी आंसर होना चाहिए तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात करते चले गए 5 मिनट 10 मिनट, आपका कोई भी आंसर हो तो आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, या फिर अगर आपको लगेगी इतना इतना काफ़ी है तो उतना ही बात कीजिए,
ज़्यादा बात करके आप कुछ साबित नहीं कर सकते दोस्त। ज़्यादा बात करने से भी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत नॉलेजेबल है, ऐसा ऐसा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपको थोड़ी बात करनी है, थोड़ी बात में या फिर उतना ही बात कीजिए जितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बात करके भी काफ़ी कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो ऐसा हो ना, ऐसा ना हो कि वो उसमें से कुछ आपको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया और आप उसका आप जवाब ना दे पाए, ठीक है? तो ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज लास्ट स्टेप, हाउ टू प्रिपेयर। स्टेप 7, रिहर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर फाइनलाइजिंग योर मॉडल आंसर, रिहर्स बाय स्पीकिंग आउट दोज आंसर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर और रिकॉर्ड योर वॉइस। वाइल रिहर्सिंग पे अटेंशन टू योर वॉइस टोन एंड स्पीड, ऑल्सो पे अटेंशन टू योर पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज एस्पेक्ट्स लाइक हैंड जेस्टर्स। तो फ्रेंड्स, रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से कीजिएगा। फेसिंग मॉक इंटरव्यूज, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऑप्ट फॉर पेड मॉक इंटरव्यूज कंडक्टेड बाई वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दीज मॉक इंटरव्यूज गिव यू एन एक्चुअल फीलिंग ऑफ फेसिंग एन इंटरव्यू। एज एन ऑल्टरनेटिव, यू कैन कंडक्ट अ मॉक इंटरव्यू योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, रिलेटिव और नेबर्स। पोस्ट कंडक्टिंग सच मॉक इंटरव्यूज, यू शुड सीक द फीडबैक एज टू हाउ मच दे रेट यू ऑन योर क्वालिटीज मेंशन इन स्टेप 4। ठीक है, जो हमारा स्टेप 4 था उस पर बेस्ड आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो फीडबैक जो है वो देंगे, तो उस पर भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले रिहर्सल करना। रिहर्सल का एक तरीका ऐसा है कि आप खुद आईने के सामने बैठकर आप एक खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं और देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके हैंड जेस्टर्स। कभी कभी आपको नहीं पता चलता कि आप आपका हैंड जेस्टर कैसा जा रहा है या फिर आपका फेस कैसा दिखता है बात करते समय, ये सारी चीज़ें। तो आप जब खुद को मिरर में देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये सही है नहीं है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और आपका वॉइस टोन, आप कैसे बात करें, ना कि बहुत फास्ट बात करना भी अच्छा नहीं है, बहुत स्लो भी अच्छा नहीं। एक नॉर्मल वॉइस टोन में जैसे आप हर रोज़ बात करते हैं वैसा बात कीजिए। आपका स्पीड, वॉइस टोन बहुत मैटर करता है, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है इसमें, ठीक है? तो इसके बाद ये रिहर्सल, फेसिंग मॉक इंटरव्यूज। और मॉक इंटरव्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आपके पास घर के आसपास या आपका कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर आप किसी को जानते हैं ऑफिस में, कलीग में या किसी पड़ोस आस पड़ोस में जो इंटरव्यूज लेते हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज ले रखे हैं पहले, तो उनके पास भी चाहिए। उनसे पूछिए कि क्या करना चाहिए आपको, कैसा करना चाहिए। अगर वो आपके साथ मॉक इंटरव्यू करने के लिए तैयार है तो बहुत ही बढ़िया, तो मॉक इंटरव्यूज कीजिए उनके साथ। उनको सवाल जवाब बताइए, अगर उनको नहीं पता तो उनको सवाल जवाब लिख कर दीजिए और फिर उनसे फीडबैक लीजिए कि कैसा, क्या क्या कुछ गलत किया मैंने इसमें, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, किस चीज़ में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो मॉक इंटरव्यू उनके साथ भी कर सकते हैं। कई कई जगहों पर पेड मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, तो हाँ आप चाहें तो उनके लिए जा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकें। ज़्यादा हाई पेड मॉक इंटरव्यूज की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? कुछ कुछ सिंपल भी आप अगर देखें ढूंढेंगे तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो ऐसा आपकी इसमें मदद कर सके, ठीक है? तो इसको इन चीज़ों को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं डूज एंड डोंट्स की बारी, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू आफ्टर डाउनलोडिंग द इंटरव्यू कॉल लेटर इज सेपरेटली टू नोट द इंटरव्यू डेट, टाइम एंड वेन्यू। दीज डिटेल्स शुड बी डबल चेक्ड, एज एनी एरर निगलिजेंस मे लीड टू अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। If your interview is at outstation venue, it is advisable to make your travel arrangements in advance so that you may arrive in the city at least 24 hours before the interview. This helps in getting familiar with the city's climatic conditions and road traffic. Whether your interview is at its outstation venue or within your city, it is always recommended to visit the venue once before the interview day. This gives you some familiarity with the route to interview venue and also the facilities and arrangements at the location. सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करें तो उसके बाद में आप ज़रूर देखिए डेट, टाइम और वेन्यू, इन तीन चीज़ों को, कहाँ है, किस समय पर है, ठीक है, और क्या तारीख है। ये तीन चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करती है। अगर आपका कोई भी छोटी सी भी गलती आपका इंटरव्यू मिस करा सकती है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखिए। अगर आपका इंटरव्यू कहीं बाहर है, किसी दूसरे शहर में है, किसी दूसरे स्टेट में है, तो प्लीज़ आप एक काम कीजिए, तो उसमें आप पहले एक दिन पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उस जगह के हालात, क्लाइमेट कंडीशंस, क्योंकि आपके बॉडी को भी अडाप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? आप ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू 10 बजे है सुबह और आप 9 बजे उस शहर में पहुंचे, तो जैसे कि आप इतना ट्रैवल करके आएंगे तो आप थक जाएंगे। तो आप चाहिए तो आप वहाँ जाके एक दिन पहले रुकिए कहीं आपके रिलेटिव्स, या किसी होटल पर एक रूम बुक कीजिए, वहाँ रुकिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए। आप जाकर अगर आ सकते हैं वेन्यू पर जाकर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेन्यू को एक बार देखिए कैसे जाना है, कैसे आना है, क्योंकि आप नए शहर में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बस जाती है उस तरफ, कौन सी टैक्सी जाती है, या मैं कैसे पहुंच पाऊंगा,
कितना ट्रैफिक होता है उस समय, ये सारी चीज़ें अब अगर आप देख सकें तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, प्रॉपर स्लीप इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन एनी टास्क दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एबिलिटीज, दस यू शुड गो टू बेड अर्ली ऑन द डे प्रायर टू इंटरव्यू। इट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ब्राउज थ्रू द न्यूज़पेपर ऑन द इंटरव्यू डे, दिस विल हेल्प यू टू आंसर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक दैट इज टेल अस अबाउट यूजिस हेडलाइंस और टॉप फाइव न्यूज़। ठीक है, तो ये पॉइंट रिपीट हो गया है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट है, प्रॉपर स्लीप इज एसेंशियल। हाँ, एक अच्छी एक साउंड स्लीप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको उसको ध्यान देना है। आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीप हो, ठीक है, उससे पहले कि ताकि आप फ्रेश माइंड से फ्रेश होकर इंटरव्यू को जा सकें। ठीक है, तो चाहें तो जल्दी चाहिए सोने के लिए और जल्दी उठिए मॉर्निंग में, एक शायद आपको लगे तो आप एक जॉग भी करके आ सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आ सकते हैं, एक सूर्य नमस्कार कीजिए तो आपको फ्रेश लगेगा उससे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू ब्राउज थ्रू द न्यूज़पेपर ऑन द इंटरव्यू डे। ठीक है, आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, और उस दिन भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, इंटरव्यू न्यूज़पेपर उस दिन भी पढ़िए, उसमें भी आपको हेल्प होगी। अगर उन्होंने कभी पूछ लिया कि हेडलाइंस बता दीजिए, आज का क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो अगर आज के बारे में कोई सवाल पूछ लिया उन्होंने तो आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, बिफोर लीविंग योर रेसिडेंस और होटल फॉर इंटरव्यू मेक श्योर टू कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द इंटरव्यू इज इन मॉर्निंग स्लॉट इट एडवाइजेबल टू हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, दिस विल प्रोवाइड यू एनर्जी फॉर रेस्ट ऑफ द डे। एट द इंटरव्यू व्हेन व्हाइल वेटिंग फॉर योर टर्न यू मे हैव अ लाइट कॉन्वर्सेशन विद फेलो इंटरव्यूज, दिस मे हेल्प यू टू ओवरकम नर्वसनेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद अननोन पीपल। फ्यू मिनट्स बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम हैव अ माउथ फ्रेशनर, इट इज़ बेटर टू हैव मिंट कैंडीज रादर दैन च्यूइंग गम्स और पान मसाला। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बिफोर लीविंग योर रेसिडेंस और होटल फॉर इंटरव्यू मेक श्योर टू कैरी ऑल योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ना ले जाएं, अगर आप मिस करते तो आपको इंटरव्यू में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से इसको रखिए। ठीक है, कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो उनकी कॉपीज भी लेके जा सकते हैं, आपको ओरिजिनल अगर नहीं सबमिट करना हो तो आप कॉपीज भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप डबल चेक कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक छोटा सा लिस्ट बना के रख दीजिए और सुबह उठकर वो सारी चीज़ें ज़रूर ज़रूर लेके जाइए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग स्लॉट में है तो आप एक हल्का सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ताकि आप चुस्त रहे, आपको भूख ना लगे इंटरव्यू के दौरान, और आपका पेट थोड़ा एक पेट स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। ठीक है, एट द इंटरव्यू व्हेन व्हाइल वेटिंग फॉर योर टर्न यू मे हैव अ लाइट कॉन्वर्सेशन विद फेलो इंटरव्यूज, आपके साथ जो बाकी लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू के लिए उनसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एक नर्वसनेस होता है, तो वो नर्वसनेस थोड़ा कम हो जाए, आपको अननोन लोगों से बात करने में थोड़ा एक आप एक इसमें आ जाते हैं, एक फ्लो में आ जाते हैं, तो आप बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, 3 मिनट्स बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम हैव अ माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। च्यूइंग गम या पान मसाला ये सारी चीज़ें मत खाइए। ठीक है, अगर आप हो सके तो मिंट कैंडीज ले सकते हैं, ठीक है, जो आप तुरंत खा के थोड़ा रख कर फिर इसको फेंक सकते हैं, और याद से फेंकिए, आप नहीं चाहते कि आप इंटरव्यू रूम में वो मिंट कैंडीज लेकर जाए। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम सीक परमिशन मे आई कम इन सर और मैडम, आफ्टर एंटरिंग द इंटरव्यू greet the members good morning, good afternoon, good evening. If there are 3 members, greet them individually, and if there are more than 3 members, just browse your eyes across them and greet twice or thrice. It is advisable to greet female member individually. तो आपका फोन हमेशा हमेशा स्विच ऑफ होना चाहिए दोस्तों इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, आप अगर सोचेंगे मैं साइलेंट करके रखता हूँ, ये करके रखता हूँ, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए। आपका साइलेंट में भी वाइब्रेट मोड पर हो सकता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, हमेशा इंटरव्यू के दौरान मोबाइल फोन हमेशा स्विच ऑफ होना चाहिए। आप जब भी जाते हैं तो पहले पूछिए मे आई कम इन सर और मैडम, बहुत अच्छा लगता है, आप बिना परमिशन के एंटर मत कीजिए। उसके बाद भी आप जब भी आते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी उस समय हो वो समय के हिसाब से आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहिए। 3 मेंबर्स हैं तो सबको इंडिविजुअली कहिए, 3 से ज़्यादा हैं तो सबकी तरफ आप नज़र घुमा कर एक बार बोल सकते हैं, और हमेशा 2 से 3 बार गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं हर एक को, तो वो भी अच्छा है लगता है उनको। और एक चीज़ है, तो फीमेल मेंबर्स जो होती हैं उनको इंडिविजुअली कहिए,
ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, वाइल ग्रीटिंग द मेंबर्स कैरी अ लाइट स्माइल ऑन योर फेस, सिटेड इन एन अपराइट पोस्चर, डू नॉट लीन टू मच और टू योर बैक और फॉरवर्ड, बी वेरी अटेंटिव एंड लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली, एज नॉट लिसनिंग टू द क्वेश्चंस मे रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव इंप्रेशन, हाउएवर आफ्टर लिसनिंग टू द क्वेश्चन यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, यू मे सीक फॉर द क्लैरिफिकेशन। While answering the question, speed of your speech and should be moderate and your tone should be confident. While answering the questions, maintain periodic eye contact with every member of the interview panel. Keep your answers precise and to the point. While exiting the interview room, thank all interviewers. सबसे पहली चीज़ दोस्तों, while greeting the members, carry a light smile on your face. जैसे मैंने आपको बताया, आप एक छोटा सा smile carry कीजिए तो उससे भी ऐसा लगता है कि आप confident भी हैं और सामने वाले को देख कर भी अच्छा लगता है। ठीक है, सिट इट इन एन अपराइट पोस्चर, सीधे बैठिए, ज़्यादा आगे नहीं ज़्यादा पीछे नहीं, एकदम सीधे बैठिए, उससे भी आप कॉन्फिडेंट लगते हैं। आपको पैरों का भी पोजीशन आपको बता दूँ, आपको लेग क्रॉस करके मत बैठिएगा, ठीक है, लेग्स थोड़ा ओपन करके आराम से कंफर्टेबली बैठिए, बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी ठीक लगेगा। बी वेरी अटेंटिव एंड लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली, एज नॉट लिसनिंग टू द क्वेश्चंस मे रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव इंप्रेशन। आप कोई भी सवाल जब सामने वाला कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए, यहाँ वहाँ मत सोचिए, बस इंटरव्यू की तरफ ध्यान दीजिए, वो क्या सोच रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो कोई सवाल पूछ ले और आपको आपने सुना ही नहीं, फिर आप पूछते हैं मुझे माफ़ कीजिए आप एक बार दोहरा सकते हैं क्या। इससे क्या होता है आपको बता दूँ, उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबकि आप इंटरव्यू के लिए आए और आपने सवाल ही नहीं सुना। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हाँ सही बात है, अगर आपको एक्चुअल में नहीं समझ आया या सुना ही आया तो फिर आप सवाल कर सकते हैं या फिर उनसे पूछ सकते हैं रिपीट करने के लिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपकी तरफ से फुली कोशिश कीजिए कि आपने जो सुना वो सही सुना, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपके जवाब की शुरुआत कीजिए। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, स्पीड ऑफ योर स्पीच एंड शुड बी मॉडरेट एंड योर टोन शुड बी कॉन्फिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको बात करने का जो स्पीच एक रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और योर टोन शुड बी कॉन्फिडेंट, आपके आप हिचकिचाइए मत, ठीक है, नॉर्मल वॉइस में बात कीजिए, आपका टोन, आपका स्पीच, जो आपका एक बॉडी लैंग्वेज है, आपका एटीट्यूड सही होगा तो सब सही होगा, इसको ध्यान रखिए। व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस मेंटेन पीरियोडिक आई कांटेक्ट विद एवरी मेंबर ऑफ द इंटरव्यू पैनल, इसको भी ध्यान से सुनिए कि आप जब भी बात करें तो आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए, ना कि नीचे देख रहे हैं ना कि ऊपर देख रहे हैं, यहाँ वहाँ नहीं, उनकी आँखों में आँखें डाल के बात कीजिए, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, आपका सिर्फ एक सिंपल इंटरव्यू है तो उसको ध्यान में रखिए, ठीक है, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। आपने कुछ गलत कहा तो भी, आप अगर कभी ऐसा होता है कि आप अगर आप कुछ गलत भी कह रहे हैं पर आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो भी उन लोगों को अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हर किसी को पता होती है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस ऐसा बहुत आप एकदम आर्ग्यूमेंट में मत चले जाइए उनके साथ कि नहीं मैं ही सही हूँ यही सही है, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, इसको यही बताना चाहता हूँ। कीप योर आंसर्स प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, आंसर्स छोटे हों तो बहुत सही है, आपके आंसर्स प्रिसाइज होने चाहिए, जितना सवाल किया जाए उतना ही जवाब दीजिए, ज़्यादा बात करने से भी आपको नुकसान हो सकता है, आपकी इमेज को नुकसान हो सकता है, वो भी हार्मफुल है, ज़्यादा बात करने से आप कभी कभी कुछ अलग ही जगह चले जाएंगे, मतलब आप कहानी पे बात कहाँ किसी कहानी पे बात करते करते कहीं और ना पहुँच जाए, इसका बहुत ध्यान रखिए। और वाइल एग्जिटिंग द इंटरव्यू रूम, थैंक ऑल द इंटरव्यूअर्स, सारे इंटरव्यूअर्स को थैंक यू कहिए, जब आप रूम छोड़ेंगे एक स्माइल के साथ थैंक यू कहिए, उनको भी अच्छा लगेगा, थैंक यू, और इसके साथ आप हैव अ गुड डे या हैव अ ग्रेट डे भी कह सकते हैं, उनसे भी उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे बारे में भी सोचता है कि मेरा भी दिन अच्छा जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है डोंट्स की, ऑन द डे बिफोर द इंटरव्यू डू नॉट गो फॉर पार्टीज वेयर यू मे बी टेम्पटेड टू हैव अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दिस मे लीड टू हैंगओवर ऑन द इंटरव्यू डे इटसेल्फ, your interview slot is a noon session, if in your interview slot is a noon session avoid having heavy food as it may lead to drowsiness before the interview, prefer to have a light snack or juice before your interview begins, avoid having too much of water intake as owing to nervousness you may get an urge to go to the washroom during the interview, this will put you in an embarrassing situation, in case if you have interaction with fellow interviews at interview location do not discuss about questions that can be asked, this may make you nervous if you have not prepared for those questions. Do not smoke or chew pan masala before the interview. On entering the interview room, do not greet the member with hi, hello, hey. It sounds very casual. अब सबसे पहला पॉइंट, डोंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको भी ध्यान से देखिए। तो जब भी आपका इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले आप किसी पार्टी में या फिर कहीं ऐसे जगह मत जाइए जहां आप सोचें या फिर आपकी इच्छा हो कोई ड्रिंक लेने की,
वो ड्रिंक्स सर आपको कोई अल्कोहलिक ड्रिंक से, अल्कोहलिक ड्रिंक से आपको एक ड्राउजीनेस आ सकता है, एक हैंग ओवर रह सकता है आपके दूसरे दिन के लिए, आपको पता होगा, तो आपको एक हैंग ओवर रह सकता है जो आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको इंटरव्यू नून सेशन में है तो खाना जो होता है आपका लंच जो होता है, तो ज़्यादा हैवी खाना मत खाइए, हल्का सा कुछ खाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा खाने के बाद आपको ड्राउजीनेस, मतलब आपको नींद भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप भी ध्यान रखिए, ठीक है। कोई लाइट स्नैक या जूस वगैरह ये सब ले सकते हैं आप। आपका इंटरव्यू जब शुरू होगा तो उसके पहले आप अच्छा वाटर पानी भी पी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहिए, और वॉशरूम इंटरव्यू के पहले ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा ना हो कि आपको इंटरव्यू के दौरान वॉशरूम यूज़ करना पड़ जाए, तो आपको बहुत अर्ज आ जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। और ये आप उसमें अगर आपका दिमाग जो है वो इंटरव्यू पे फोकस नहीं रहेगा, वो यहाँ वहाँ भटकेगा, तो इसका ध्यान रखिए, और एम्बैरसिंग भी हो जाता है। देन इन केस इफ यू हैव इंटरेक्शन विद फेलो इंटरव्यूज एट इंटरव्यू लोकेशन, डू नॉट डिस्कस अबाउट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ गए हैं तो आप बात कीजिए कुछ टॉपिक्स पर, ऐसे वैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, इन पर बात मत कीजिए, उससे क्या होगा। तो हाँ, एक अच्छा बात ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है। पर कर कोई ऐसा सवाल अगर किसी ने आपको बता दिया कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आपने उनके लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो आप खुद नर्वस होके जो आपने प्रिपेयर किया है वो भी आप भूल जाएंगे। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिए, ठीक है। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए कि स्मोक तो बिल्कुल ना कीजिए, अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी इंसानों ने नहीं करना चाहिए, किसी ने भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो भी इंटरव्यू के पहले प्लीज़ डू नॉट स्मोक, या पान मसाला भी मत खाइए, ठीक है। ये जो स्मेल है वो रह जाती है और थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। ऑन द एंटरिंग द इंटरव्यू रूम डू नॉट ग्रीट द मेंबर विथ हाई हेलो हे, ये हाई हेलो हे नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डू नॉट इनिशिएट हैंडशेक, इफ द इंटरव्यू इनिशिएट्स हैंडशेक ग्लैडली एक्सेप्टेड After entering the interview room and greeting all the members, do not sit down unless you are asked to do so. While sitting on the chair, do not make noise by dragging the chair. Do not start answering before the interviewer has completed the question. You should not answer questions as if you have memorized it and are recalling it. You should answer in an interactive manner. Do not give unnecessary examples or illustrations or quotes in your answers. Keep it simple. If you do not answer to few questions, do not bluff or beat around the bush. The interviewers are too smart and much more experienced to figure it out. Do not give negative comments about your past employer or about your past experience, if any. Do not resort to humor during interviews. Depending on the mood or temperament of the interviewer, he or she may tag you as a casual candidate and may even feel offended. तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए दोस्तों। सबसे पहली चीज़ हैंडशेक का, आप अगर चाहें तो वो बड़े मतलब उनका एज ज़्यादा होता है या फिर इंटरव्यू जो होते हैं उन इंटरव्यूअर जो होते हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो काफ़ी बार अगर आप खुद हैंडशेक करने जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या अच्छा नहीं होगा मतलब है कि वो लोग ऐसा समझ सकते हैं, कभी कभी ऑफेंडेड फील करते हैं वो लोग, तो इसलिए आप खुद से नहीं कीजिए, लेकिन सामने वाला जब भी करता है तो उसको ग्लैडली एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो सारे सबको ग्रीटिंग करने के बाद आप खुद मत बैठिए, आप वेट कीजिए कोई आपको बोले कि बैठिए, या फिर आप बैठने से पहले पूछ सकते हैं कि मे आई सिट डाउन, तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। While sitting on the chair, do not make noise by dragging the chair. Chair को खींचिए मत, जो chair खींचने में कर जो आवाज़ आती है वो लोग काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती, तो आप काम कर सकते हैं, चेयर अगर आपको नहीं लग रही कि उसकी सही जगह है तो आप चेयर को उठा के आगे पीछे रख सकते हैं और उस पर बैठ सकते हैं, वो चीज़ कीजिए ध्यान से। ये छोटी छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इससे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर जब भी कोई सवाल आपसे किया जाए तो आप सवाल पूरा सुन लीजिए, जब सामने वाले के सवाल खत्म हो जाए उसके बाद ही आपका जवाब शुरू कीजिएगा, ठीक है। आप भी जब भी ऐसा बात करें या जब भी सवाल दे तो उस दौरान ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना हो कि आप याद करके आए हैं इसका आंसर और आपने शुरू कर दिया, तो आप जैसे कि ऐसे एक रोबोट बात कर रहे हैं या मशीन पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी वैसे बात कर रहे हैं, वैसा ना हो तो बेहतर रहेगा। आप एक इंटरेक्शन के नज़र से एक इंटरेक्टिव मैनर में आप बात कीजिए, ताकि सामने वाले को लगे कि अच्छा ये बात कर रहा है मुझसे, ऐसा ना हो कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो एक इंटरेक्शन हो रहा है हमारे बीच में, वैसे एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, आपको कनेक्टेड फील लगना चाहिए सामने वाले को भी, ठीक है। डू नॉट गिव अननेसेसरी एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन और कोट्स इन योर आंसर्स, एकदम ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, या फिर आपको किसी एक सिचुएशन दे दी तो उसमें एग्जाम्पल देना, या फिर कोई कोट उसमें इंक्लूड कर देना, किसी ने कोई शायरी इंक्लूड कर देना,
ये एक थोड़ा एक अनप्रोफेशनल लगता है, थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं, या फिर कुछ लोग पसंद नहीं करते इस चीज़ को, तो इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहली बात बता चुका हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है उतना ही बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात कीजिए। इफ़ यू डू नॉट नो आंसर टू फ्यू क्वेश्चन, डू नॉट ब्लफ और बीट अराउंड द बुश। आपको अगर नहीं पता तो नहीं पता दोस्तों आंसर, आप कोशिश कर सकते हैं इसके अराउंड बात करने की, ले थोड़ा सा उसके बारे में बात करने की, लेकिन अगर आपको नहीं पता एट ऑल तो बात नहीं कीजिए उसके बारे में, बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जो होते हैं इंटरव्यूज, उनको ऐसे ही नहीं बिठाया जाता, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने आपके पहले हजारों लोगों का इंटरव्यू ले रखे हैं उन लोगों ने, इसलिए उनको पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत ध्यान ध्यान रखिएगा इसका भी, ठीक है। और आपके पास एम्प्लॉय, आपने अगर पहले कभी काम किया है तो उसके बारे में भी आप उनके बारे में कभी नेगेटिव बात मत कीजिए। आपकी कंपनी थी, आपने इसमें काम किया, फिर आपने छोड़ दिया आपकी मर्जी से, तो सब आपका डिसीजन है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अगर वो कंपनी के लिए जो भी अच्छा सोचता है, कभी ऐसा लगता है ये कंपनी के लिए अच्छा अगर इतना बात कर रहा है पुरानी कंपनी के, तो हम इसको हायर करेंगे तो हमारी कंपनी के लिए कितना अच्छा बात करेगा, तो हमारे बैंक के लिए इसको हायर करेंगे तो कितना अच्छा बात करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी लोग आपको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। डो नॉट रिजॉर्ट टू ह्यूमर ड्यूरिंग इंटरव्यूज, अगर कोई सामने वाला आपके साथ कोई मजाक करने की कोशिश करता है, मजाक का मतलब है ये नहीं कि आप पर मजाक या आपके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, कोई जोक मार देता है हल्का सा, तो हाँ ठीक है, आप उसको हल्के से स्माइल करके उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मजाक करने लग गए, सामने वाला अगर अब उसने भी मजाक किया तो आप भी मजाक करने लग गए, ऐसा नहीं कीजिएगा, उनके मजाक को स्माइल कीजिए, हाँ उसके साथ स्माइल कीजिए और हंसिए, बस उतना ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट लाफ आउट लाउड इफ इफ इन केस द इंटरव्यूअर रिजॉर्ट्स टू ह्यूमर, जस्ट एक्नॉलेज इट विद द स्माइल While interview is putting his view or opinion, do not cut him short. Allow him to complete the sentence. Do not get too friendly with the interviewer. Do not flaunt your contacts with influential and famous people during the interview. Do not stretch the arguments with the interviewer if he or she does not agree with your opinion. After one or two counter arguments, just concede by saying, "I'll think it over." Your answers to opinion-based questions should not be extremist. Give a logical answer after having. आंसर हैविंग मॉडरेट इम्प्लीकेशंस इंटरव्यूज लाइक बैलेंस कैंडिडेट्स। तो जैसे कि पहले आपको बताया कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसना भी उनको पसंद नहीं आता, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता, जब कोई जोक हुआ कुछ भी हुआ हल्का स्माइल कीजिए, हाँ अगर आपको हंसी आ रही तो एक बार हंसी, बस उतना काफ़ी है। अगर आप सामने वाला आपके बारे में कोई व्यू या ओपिनियन दे रहा है या किसी चीज़ पर अपना व्यू और ओपिनियन दे रहा है, तो उसको उनको कट मत कीजिए, ठीक है। अगर आपने गलती से कट भी कर दिया तो उसमें सॉरी कह सकते हैं हम, सॉरी प्लीज़ गो अहेड आप कह सकते हैं, और उनको कंटिन्यू करने का मौका दीजिए, ठीक है, उनको अच्छा भी लगता है ये, ठीक है। लेकिन कट बिल्कुल मत कीजिएगा, कभी कभी ऑफेंडेड फील करते हैं लोग, ठीक है। डू नॉट गेट टू फ्रेंडली विद द इंटरव्यू, काफ़ी काफ़ी आप अगर फ्रेंडली चले होते चले जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ अगर पैनल में तीन चार लोग बैठे हैं और आप किसी एक के साथ फ्रेंडली हो गए बहुत ज़्यादा, या फिर आप सारे के साथ फ्रेंडली हो गए तो भी अच्छा नहीं लगता, तो भी एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, ताकि आप काम नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने आए हैं यहाँ पे, तो वो भी एक इंप्रेशन बन जाता है आपका। आपका कोई भी अगर कॉन्टैक्ट हो किसी के साथ, किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ, किसी नेता के साथ, किसी बहुत बड़े बैंक में उस मैनेजर के साथ, किसी मैनेजर के साथ उस बैंक में, तो भी उसके बारे में आप मत बताइए, कभी कभी मत बताइए, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है कि क्या ये हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं लोग, ठीक है, उसको ध्यान रखिए। आपका कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट हो गया कि ऐसा कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसी लगती है, आपको ये चीज़ ऐसी लगती है, तो आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हाँ कि आपका पॉइंट अलग है उनका पॉइंट अलग है, आप एक बार बता सकते हैं कि मेरा पॉइंट ऐसा है इस वजह से ऐसा है, आप ट्राई कर सकते हैं खुद को एक्सप्लेन करने के, लेकिन याद रखिए आप एक आर्ग्यूमेंट में मत चले जाइए। आर्ग्यूमेंट से क्या हो जाएगा कि आप वो बोलते चले जा रहे हैं, आप भी बोलते जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा वो चीज़, ठीक है, जो कि आपके हित में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ सामने वाला एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर दिया अपना पार्ट, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अगर सामने वाला नहीं मान रहा, तो प्लीज़ उनके ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में आगे, बस इतना कह के आप उसे छोड़ दीजिए। अगर आपका आंसर जो है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ आपने बड़ा चढ़ा कर एक आंसर दे दिया, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा किसी चीज़ के बारे में बोल दीजिए, एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे नहीं जाइए, मॉडरेट आंसर दीजिए, आपका पॉइंट आपका मैसेज कन्वे कीजिए, बस उतना मॉडरेट इम्प्लीकेशन होना चाहिए इसमें, बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर्स को बैलेंस कैंडिडेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड हो वो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो भी कभी कभी आपके फेवर में नहीं जाता वो,
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये स्टडी कैप्सूल का आइकन देखिए, इसी पर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे बाकी वीडियोस पे भी आप देख सकते हैं। ये जो बाकी वीडियोस हैं इनको देख सकते हैं, और हमारा इंटरव्यू अगले पार्ट्स के लिए भी वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रेंड्स, होप यू हैव वंडरफुल डे अहेड एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज। टेक केयर।